प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चैप्टर की, ऐसे टॉपिक की जो ज्यादातर विद्यार्थियों को काफी टफ लगता है और कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि मैडम यह कब आया, यह यात्री कब आया, उसका टाइम पीरियड क्या था, तो किस प्रकार से हम उसको इजी वे में याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम यात्रियों के नजरिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो विदेश यात्री भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जो भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर, आपका जो फिफ्थ चैप्टर है, उसमें तीन मुख्य रूप से विदेश यात्रियों के बारे में बताया गया है। जो विदेश यात्री आते थे वो क्या देखते थे, जो बिल्कुल अलग चीज लगती थी, जो उनके देश में नहीं मिलती। अगर मैं कहूं पान के बारे में तो आप कहेंगे अरे मैडम पान तो सभी जानते हैं, है ना। लेकिन जो विदेश यात्री जिन्होंने कभी पान खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उन्हें वो बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने कहा अरे यह क्या है, एक ऐसा पेड़, एक ऐसी बेल जिसमें फ्रूट तो है ही नहीं, फिर ये लोग क्यों उगा रहे हैं और पत्ते को खा रहे हैं। तो उन्हें बहुत अजीब सा लगा, तो उन्होंने पान का वर्णन अपनी पुस्तकों में लिखा। ठीक इसी प्रकार से नारियल नहीं है अगर उनके देश में, और उन्होंने नारियल देखा, हमारे यहाँ तो नारियल को श्रीफल कहा है, बहुत ही ज्यादा पूजनीय फल जो पूजा में रखा जाता है ना, लेकिन उनके लिए अजीब था। उन्होंने कहा अरे यह कैसा फल है, खजूर की तरह इसका पेड़ है, ऊपर लगता है, लेकिन यह जो है शेप, यह तो मनुष्य के सिर जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मनुष्य के सिर जैसा, जिसकी दो आंखें। तो इस प्रकार से इब्न बतूता जो विदेश यात्री आया, उसने अपनी पुस्तक के अंदर नारियल और पान का वर्णन किया, जो हमारे लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। चलिए अब बात करते हैं हम उपमहाद्वीप में यात्री आए। ठीक है, अलबरूनी आया, इब्न बतूता आया, बर्नियर आया, जो आप सभी को पता है तीन मुख्य यात्री है जो याद करने। लेकिन कंफ्यूजन क्या रहता, अरे मैडम पहले कौन सा आया, कौन सा किस समय आया, याद ही नहीं होता, बार बार गड़बड़ होती। तो ट्रिक से याद करेंगे, सबसे पहले 11 रुपए, सबसे हम क्या कहते हैं कोई भी अच्छा काम होता है 11, 21 इसका प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ऐसे याद रखो 11वीं शताब्दी। सबसे पहला याद रखोगे 11वीं शताब्दी, फिर दो छोड़ दो, 12 नहीं लेना है, 13 नहीं लेना है, फिर ले लो 14वीं शताब्दी, फिर 15 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, और फिर ले लो 17वीं शताब्दी। एकदम शानदार ट्रिक के साथ याद रखोगे कौन सा विदेश यात्री, 11वीं शताब्दी से काम शुरू करोगे तो सबसे पहले आता है 11वीं शताब्दी में अलबिरूनी जो है वह आता है। फिर 12-13 हमको क्रॉस करना है, 12-13 जो है वह हमें नहीं लेना, दो दो छोड़ना है आपको, फिर दो छोड़ दोगे तो 14वीं शताब्दी में आने वाला विदेश यात्री कौन है, 14वीं शताब्दी में आने वाला विदेश यात्री इब्न बतूता है। 17वीं शताब्दी में कौन आया, 17वीं शताब्दी में बर्नियर आया। ठीक है, तो ट्रिक से याद रखोगे 11 से शुरू करोगे, मैडम ने बोला था 11, बहुत ही शानदार नंबर, उसी से याद करेंगे, है ना। और दो दो साल का गैप डालते चले जाएंगे, दो दो नंबर का गैप, दो दो साल नहीं है, 100 वर्ष हैं, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 100 साल है, लेकिन नंबर दो दो है, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, एक काम तो हो गया। अब मैडम हमें तो यह याद नहीं रहता कि अलबरूनी पहले आया या इब्न बतूता, 11वीं में बर्नियर आया या अलबरूनी, फिर कंफ्यूजन हो गया, अब कैसे याद करें। अरे चिंता मत करो, एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आई हूं। आप अब सदा जो हमारी वर्णमाला है उसमें सबसे पहले क्या आता है, अ आता है, तो अलबरूनी सबसे पहले आएगा, उसके बाद में ई आता है, तो इब्न बतूता उसके बाद आएगा, और उसके बाद बर्नियर आता है। बताओ कैसी लगी ट्रिक, शानदार लगी कि नहीं लगी। एकदम मजे मजे से आपको हिस्ट्री पढ़नी है बिल्कुल ट्रिक के साथ। 11 से शुरू करेंगे, तीर्थ विदेश यात्री कौन कौन सा है, जिनकी वृत्तांत से हम भारत के इतिहास में बहुत कुछ जानकारियां, रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो 11वीं, 14वीं और 17वीं शताब्दी। अब कौन आया, अलबिरूनी, अ से क्या है, अ से अलबिरूनी है, अलबिरूनी भारत आता है 11वीं शताब्दी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ई से आता है इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आता है, 14वीं शताब्दी। बर्नियर कब आया, 17वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से आपको यह याद रखने हैं कि कौन सा विदेश यात्री कब आता है। तो यह ट्रिक से हमने याद कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन सीयूईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा एक ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें आपको 11वीं की जगह 12वीं लिख दिया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीयूईटी की दृष्टि से। चलिए अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इब्न बतूता की, जो कहाँ का रहने वाला था, जो मोरक्को का रहने वाला था, यहां से वह भारत आता है। देखो यह आ रहा है भारत, उसका मार्ग दिखाया गया है किस प्रकार से वह भारत आया। वह मालाबार तट की तरफ गया, श्रीलंका, उसके बाद वह चाइना बीजिंग तक वह जो है अपनी यात्रा करता है। अब बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। वह भारत आने से पहले, देखो मैप देखोगे तो आपको याद रहेगा कहां पर गया, सीरिया, ईरान, इराक, मक्का, इन सब की यात्राएं कर चुका था। जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता उसे घोंसले से निकला हुआ, नीड़ से उड़ता हुआ पंछी कहा है।
ऐसे याद रखोगे मैप से कि इतना घूमेगा तो वो तो पक्षी ही है। तो घोंसले से निकलता हुआ पक्षी किसे कहा गया है? इब्न बतूता को कहा गया। वो भारत आने से पहले मक्का, सीरिया, ईरान, इराक, अफ्रीका, मक्का है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, सभी जगह ईरान, इराक खूब यात्राएं कर चुका था। इराक की, अफ्रीका के जो बहुत सारे बंदरगाह हैं उधर की तरफ, खूब सारे स्थानों की यात्राएं कर चुका था। वह मध्य एशिया से होते हुए भारत आता है, 1333 में भारत पहुंचता है। अब कैसे याद रखोगे? तीन चीजें बताऊंगी, इससे याद रखना है। तीन बार तीन चीजें मैडम ने बताई थी। क्या बता रही हूं? इसकी पुस्तक देखो, सभी विदेश यात्रियों की पुस्तक है, अब गड़बड़ हो जाती कौन सी पुस्तक किसने लिखी, हम तो भूल जाते हैं। तीन अक्षर वाला इब्न बतूता है, क्योंकि इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक कितने शब्द? रिहला। वह किसके समय में आया था भारत? उस समय भारत में कौन था? तो मोहम्मद बिन और तुगलक, तीन अक्षर फिर से, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक जो है उसके काल में आया था। तो ध्यान रखोगे कि जो इब्न बतूता है वह तीन विदेश यात्रियों में बीच वाला विदेश यात्री है। उसकी किताब जो है उसका नाम भी तीन अक्षर का है। वह जिस समय आया उस समय भी मोहम्मद बिन तुगलक तीन अक्षर वाला गद्दी पर बैठा हुआ था। वह स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया था और आने का टाइम भी 333 था। वह शरिया का ज्ञाता था। देखो शरिया, शरिया भी तीन अक्षर का है ना, शरिया। तो ये तीन बातें याद रखनी है तीन अक्षर वाले व्यक्ति के लिए। उसकी पुस्तक रिहला, जिसके टाइम पीरियड में तीन बार तीन आ रहा है, जिसकी पुस्तक के नाम में तीन आ रहा है और जिसकी किताब में भी तीन अक्षर है, शरिया। अगर हम अलबरूनी की बात करें तो किताबुल हिंद उसकी पुस्तक है ना, बर्नियर की ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक है, लेकिन इसकी पुस्तक रिहला तीन अक्षर, इसका ज्ञाता किसका? अब यहां पर गड़बड़ हो जाती है, शरिया का ज्ञाता कौन था? तीन अक्षर वाला शरिया का ज्ञाता। तो 1333 यह भी टाइम पीरियड पूछा हुआ है, यह भी बुक पूछी हुई है, और किसका ज्ञाता? उसे काजी बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया, शरिया यानी इस्लामी कानून को शरिया कहा गया। तो जो शरिया का ज्ञाता था, तीन बातें आपको गांठ बांधनी है, 1333 रिहला और शरिया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आता है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कला का, साहित्य का बहुत बढ़िया संरक्षण था, कला और साहित्य का दयाशील संरक्षक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो यह मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसके काल में इब्न बतूता आता है, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक कला और साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था। एक जौहरी जो है वह हीरे की परख कर सकता है, और यह जो इब्न बतूता है वह भी एकदम इंटेलिजेंट विद्वान, बचपन से ही बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करी टेंजियर में, मोरक्को के टेंजियर में सबसे शिक्षित परिवार में इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही इसने अपने साहित्य की यानी अपने कानून को बहुत अच्छे से समझा था। चलो जब वो कानून का ज्ञाता है, अगर कोई व्यक्ति कानून का ज्ञाता है तो उसे क्या पद मिलेगा? तो उसे 100% काजी का पद। भारत में आकर के उसे क्या दिया गया? भारत आया और उसके बाद में भारत में आकर के दिल्ली सल्तनत उस समय चल रही है, और दिल्ली सल्तनत में काजी के पद पर, दिल्ली सल्तनत है ना, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत में उसे काजी के पद पर नियुक्त, काजी के पद पर क्या करा गया? नियुक्त। बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह न्यायाधीश है, और यह कैसे याद रहेगा? सरिया से याद रहेगा। उसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया। फिर कुछ गलतफहमी हो गई, और इसी वजह से गलतफहमी हो गई राजा को इसके बारे में, कभी कभी हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसी वजह से इसे क्या कर दिया गया? इसी वजह से इसे जेल में डाल दिया गया, कैद कर लिया गया। फिर गलतफहमी जब दूर हुई तो इसे यहां से आजाद करके पुनः जो है क्या दिया गया? पुनः राजकीय पद दे दिया गया। वापस यह जैसे पहले काम कर रहा था, उसे राजकीय पद दिया गया, उसे दूत बनाया गया, उसे कहा तुम्हें मंगोल जाना है। कहां जब भेज दिया गया? इसे मंगोल भेज दिया गया, दूत के रूप में। मंगोल शासक कहां थे? चाइना में। तो चाइना में मंगोलों के पास, इसको मंगोलों के पास जो है भेज दिया गया दूत के रूप में। किस रूप में जाएगा? भारत का दूत बनकर, मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर यह चला गया। अब बात करते हैं इसकी यात्रा की। देखो केरल के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, अगर पूछ ले, इब्न बतूता की पुस्तक में यह लिखता है मालाबार तट, तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह बताता है कि मालाबार तट की ओर से जाता है, फिर हम देखते हैं श्रीलंका भी जाता है, असम की भी यात्रा करता है, चाइना में बीजिंग तक पहुंचता है जो क्वांजू बंदरगाह कहलाता है। मालदीप में भी इसको 18 महीने तक काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। 18 महीने तक यह मालदीप में भी काजी के पद पर जो है नियुक्त किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने विभिन्न दूरियों का वर्णन किया है, मुल्तान से दिल्ली,
फिर उसके बाद में सिंध से दिल्ली, दौलताबाद से दिल्ली, ग्वालियर से दिल्ली। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ इब्न बतूता ने जो विभिन्न दूरियां हैं उसको कितनी बताई। अब ये कितनी याद कर ली, बार बार गड़बड़ हो रही है मैडम, याद ही नहीं हो रही। कभी मुल्तान से दिल्ली की दूरी हमारी ग्वालियर से दिल्ली में पहुंच जाती है, कभी दौलताबाद दिल्ली की दूरी सिंध से दिल्ली में। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हम इसको एक शानदार ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करोगे? देखो बहुत इजी ट्रिक है, एमडी जीडी डीडी जीडी, एमडी जीडी डीडी जीडी, बस यह हो गया आपका आपका जो है आंसर बिल्कुल पक्का। एमडी एसडी डीडी जीडी, क्या याद करोगे? एमडी एसडी डीडी जीडी। अब इसकी दूरी कैसे याद करोगे? और शानदार तरीका, 40 50 40 10 40 50 40 10, यह हो गया आपका पूरा आंसर। इतना बड़ा जो आंसर आपको याद करना पड़ रहा था, बार बार कंफ्यूजन हो रहा था, बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करोगे एमडी एसडी डीडी जीडी। बोलोगे मेरे साथ एमडी एसडी डीडी जीडी, इसका मतलब क्या है? एम का मतलब है मुल्तान, मुल्तान से लेकर दिल्ली की दूरी। एस का मतलब है सिंध से दिल्ली की दूरी। डी का मतलब है दौलताबाद से दिल्ली की दूरी, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी। और जी का मतलब है ग्वालियर से दिल्ली की दूरी। अब कितनी? 40 50 40 10, इसका मतलब 40 दिन में उसने तय करी थी। यहां पर 50 दिन उसने बताया है, यहां 40 दिन उसने बताया है, और यहां 10 दिन उसने बताया है। तो इस प्रकार छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं, आंसर सही दे सकते हैं। चूंकि सीयूईटी एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपके डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई और यह आंसर कट हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अच्छे से एक एक चीज जो है ऐसे याद करो, इतना सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से और कभी गलत नहीं हो ऐसा तैयार कर सकते हो। तो इसी प्रकार की ट्रिक से पढ़ने के लिए उत्कर्ष का फायदा उठाइए। उत्कर्ष में आपको सारे कोर्स जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशली जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझाते हुए लर्न कैसे करना यह स्किल भी डेवलप की जा रही। आजादी के महोत्सव पर हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा ऑफर, महा ऑफर। क्या ऑफर है आपके लिए, देखेंगे हम इस ऑफर को। देखो जो आपका ऑफर पहले दिया गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों की बेहद मांग की वजह से इस ऑफर को और बढ़ा दिया गया है। जो आपका इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महा ऑफर रहेगा वह 13 से 17 अगस्त तक ही रहेगा। उत्कर्ष के जितने भी सीयूईटी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 90% तक की धमाकेदार छूट, और 10% की अतिरिक्त छूट किसे है? यदि आपने उत्कर्ष का कोई और कोर्स परचेज किया हुआ है अभी इसी साल, तो आप 10% अतिरिक्त छूट जो है, देखो वर्तमान में आपने कोर्स लिया हुआ होना चाहिए और उत्कर्ष का कोर्स होना चाहिए, तो आप 10% और जो है ऑफर को प्राप्त कर सकते हो। यह सर के द्वारा थोड़ी सी छूट और बढ़ा दी है, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा इस पर मांग आई थी, इसी वजह से इसको बढ़ाया है। बात करते हैं, अगर हम बोर्ड प्लस सीयूईटी वाला कॉम्बो कोर्स परचेज करते हैं तो क्या उस पर भी छूट है? यस, उस पर भी आपको ऑफर प्राइस अभी दी जा रही है सिर्फ 3500 रुपए। किसके लिए? साइंस बाइलैंग्वल के लिए। अगर हम बात करते कॉमर्स बाइलैंग्वल के लिए, यह सीयूईटी का भी कोर्स इसमें मिलेगा और बोर्ड वाला कोर्स भी, दो दो चीजें एक साथ, दो चीजें आपको मिल रही है इस ऑफर में। बोर्ड प्लस सीयूईटी 2024 लाइव कोर्सेज कॉमर्स में बाइलैंग्वल रहेंगे और उसकी प्राइस 3500 रहेगी, लेकिन आर्ट्स में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग रहने वाले हैं। यहां पर आपके ऑफर प्राइस 3500 रहने वाली है और यहां पर भी 3500 आपकी ऑफर प्राइस रहने वाली है। अब बात करते जनरल टेस्ट भी मिलेगा क्या? यस, जनरल टेस्ट आपको 1200 रुपए में, और रिकॉर्डेड कॉम्बो अगर आप ले रहे हो तो उसकी प्राइस आर्ट्स कॉमर्स साइंस हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी है, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स पूरा परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या प्राइस रहने वाली है? 2900 ओनली। अगर जनरल टेस्ट की बात करें, खाली जनरल टेस्ट की बुक ले रहे हो तो 999 उसकी रेट रहेगी, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप अलग अलग बुक ले रहे हो जो भी आपके डोमेन है तो उस हिसाब से आपके मात्र 700 रुपए उसकी फी। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए अभ्यास टेस्ट सीरीज सीयूईटी 2024 के एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप कोई भी मीडियम के हो, इस जो सीरीज के माध्यम से, अभ्यास सीरीज के माध्यम से आप
अपने सब्जेक्ट पर बहुत ही शानदार कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकेंगे। हम लेकर आए अभ्यास टेस्ट सीरीज साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट में। और सबसे खास बात क्या है, सभी सब्जेक्ट सभी विषय और सभी माध्यम, यह ध्यान रखना है। इसमें कौन सा मीडियम जो रहने वाला है, तो मीडियम जो है आपका हिंदी मीडियम भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम, दोनों में जो है यह सीरीज रहने वाली है। चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, अभ्यास टेस्ट सीरीज जो मात्र 150 की है, इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इस आजादी महोत्सव के अवसर पर एक स्कोर बूस्टर जो है वह भी आपके लिए लेकर आए। यह क्या है, इसमें मॉक टेस्ट है। इस 10 मॉक टेस्ट के द्वारा आप जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तैयारी कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस पैटर्न पे पूछे गए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसा आपको एनटीए द्वारा जारी एग्जाम देना होगा सीयूईटी का, उसी पैटर्न पर 10-10 मॉक टेस्ट, बिल्कुल जैसे हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए। 10 जो है आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे स्कोर बूस्टर के अंदर। और यह इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, 250 जो है इसकी प्राइस रहने वाली है। चाहे कोई भी मीडियम है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स के, चाहे कॉमर्स के, आप साइंस के हैं, यह भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। ध्यान रखोगे हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मॉक टेस्ट जो है, स्कोर बूस्टर जो है वह दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपका एग्जाम फोबिया बिल्कुल दूर हो जाएगा, बिल्कुल इजीली जो है आप अपने एग्जाम को दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इस आजादी के महोत्सव पर जो ये ऑफर है, यह ध्यान रखना है मात्र 13 से 17 अगस्त तक के लिए ही है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाने का सपना जो है उसको साकार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।